हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ टिक्कर टाकोज़ विद ग्रीन चटनी। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी है। चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ आटा ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप ऑफ बेसन ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑफ चॉप्ड ऑनियन ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हमने यहाँ पर ऑनियन ऐड कर ली है और मैं यहाँ पर नाचोज़ ऐड करूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहले सॉल्ट ऐड करा है, मैं यहाँ पर नाचोज़ ले रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा फ्लेवर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी नाचोज़ है और मैं यहाँ पर नाचोज़ को अच्छे से क्रश करके ऐड करूँगी। आप कोई भी फ्लेवर के यहाँ पर नाचोज़ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो या जो भी इजीली आपको मिल जाए आप वो नाचोस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब हल्की सी मैंने यहाँ पर टर्मरिक पाउडर ऐड करा है 1/4 टीस्पून और मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ऑफ ऑयल ऐड करूँगी। और अब हम इसका एक सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो बन के रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पर हंकर ले लिया है 1/2 कप और इसमें मैं थोड़ी सी ऑनियन कैप्सिकम ऐड करूँगी। रेड एंड येलो कैप्सिकम भी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास हो तभी आप ऐड करें। और मैं यहाँ पर अब ऐड करूँगी सॉल्ट ऐड करूँगी। पहले इससे पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें बहुत हल्का सा सॉल्ट ऐड कर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड करा है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही को मैंने 1 कप दही को हमने 3 से 4 घंटे के लिए टांग के रख दिया था एक कॉटन क्लॉथ में और उसका हंकड़ बन गया है। आप देख सकते हैं मेरा जो डो है परफेक्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ऐसे मैं इसको हल्का सा लंबा बेल लेती हूँ, इक्वल साइज़ में कट भी कर लेती हूँ। आप मेरे साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि हल्का सा मुझे कोल्ड है तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी आपको चेंज लग रही होगी। आप देख सकते हैं अब मैं इसको एक रोटी की फॉर्म में जैसे हम बेलते हैं तो वैसे ही मैं सेम प्रोसेस से इसको बेल लूँगी। आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बेलना है, छोटे छोटे से हमें इसके बना के रेडी कर लेते हैं। अगेन मैं आपको एक बार और बना के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड शेप में तो नहीं बनेगी क्योंकि हमने इसमें नाचोस भी ऐड करे हुए हैं और थोड़ी सी अनियन भी ऐड करी हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पैन ले लूँ। पैन में मैं यहाँ पर हल्का सा ऑयल ऐड कर लेती हूँ और हमें इसे हल्का हल्का सा सेक लेना है। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, बिल्कुल पराठे की तरह से क्रिस्पी सा नहीं करना है, एक सॉफ्ट सा हमें इसको अच्छे से सेक लेना है। आप देख सकते हैं जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ अपनी रेसिपी में वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूँगी तो आप वहाँ से देख लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी आईडी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करी है आपके साथ। मोमोज़ की भी मैं 2 रेसिपी लेकर आई हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप देख सकते हैं ऐसे ही हम सारे बना के रेडी कर लेते हैं फटाफट से। इसके बाद मैं आपको प्लेटिंग करना बताऊँगी कि इसकी प्लेटिंग हमें कैसे करनी है। चलिए हम प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक ब्रश की हेल्प से मैं पहले यहाँ पर टमाटो सॉस लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी प्लेटिंग कर सकते हैं, मैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, नाचोस तो सबके घर में होते ही हैं, अक्सर बच्चे खाते ही हैं और आप कुछ नाचोस से रेसिपी बना के भी ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम एक स्टिक ले लेंगे, स्टिक्स हम इस पर सेट कर देंगे। पहले हम इनको ऐसे मैच कर देते हैं और ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही बनाना है, सिंपल आप इनको बना के भी खा सकते हैं। और नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ ये भी आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएं कि जल्दी से मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी क्या लेकर आऊँ, तो वही रेसिपी मैं आपके लिए फटाफट से लाने की कोशिश करूँगी।
कि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए एक और अच्छी सी रेसिपी बना के रेडी कर लूँ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। देखिए हंकड़ ऐसे हम इसमें बीच में ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा हंकड़ सब में ऐड कर देती हूँ फटाफट से, आप देख सकते हैं ऐसे मैंने इसमें हंकड़ और अपनी वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा एक टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ, देखिए। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली मैंने कैसे बनाई है ये सब इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं सोचती हूँ आपके लिए छोटी छोटी सी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आऊँ कि जिससे कि आप बोर भी ना होए और मेरी रेसिपी में बहुत अच्छा अच्छा सा इंटरेस्ट भी ले। और प्लीज़ आप फीडबैक कमेंट डाउन करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, तभी मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। देखिए ऐसे हमने अपने टिक्कर नाचोस की रेसिपी बना के रेडी कर ली है, तो जल्दी से आप रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना कि आपको कैसी लगी है, और मुझे फीडबैक कमेंट डाउन करके बताना। और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।